वेलकम टू माई चैनल बेंगोली नोविस। मेरा चैनल बेंगोली नोविस में तुम सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग ठीक हो एंड घर में रह के ठीक से पढ़ाई कर रहे हो, और मैं जो वीडियो दे रहा हूँ वो तुम लोग ठीक से देख रहे हो। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना, और हो सके तो दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। तो इससे पहले हम डिफरेंट टाइप्स का मार्केट के बारे में बात किए थे, राइट? आज हम जिस मार्केट के ऊपर बात करेंगे वो है ऑलिगोपोली मार्केट। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑलिगोपोली मार्केट का डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ऑलिगोपोली इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये यहाँ पे ऑलिगोपोली ग्रीक वर्ड है, जहाँ ऑलिगो मीन्स फ्यू एंड पोलिन मीन्स सेल। तो इस तरह ऑलिगोपोली मीन्स कुछ लोग, जब मार्केट में प्रोडक्ट बेचता है उसी को हम ऑलिगोपोली मार्केट कहते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऑलिगोपोली इज डिफाइंड एज ए मार्केट स्ट्रक्चर हुई स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स और फ्यू फर्म्स हु सेल देयर प्रोडक्ट व्हिच मे बी होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड। ऑलिगोपोली को हम डिफाइन कैसे? तो ये एक तरफ का मार्केट है जहाँ पे कुछ ही सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचता है, और जो प्रोडक्ट क्लोजली होमोजेनियस है, मतलब एक जैसा ही है या तो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है, तब उस तरफ मार्केट को हम ऑलिगोपोली मार्केट कहेंगे। ओके okay? तो यहाँ से हम एक मीनिंग निकल सकते हैं, या द मीनिंग ऑफ ऑलिगोपोली मार्केट मीन्स कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू। द मीनिंग ऑफ ऑलिगोपोली मीन्स मार्केट मीन्स क्या होता है ना, कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू। ये होगा सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मार्केट्स आर। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्यू फार्म्स, मतलब यहाँ पे हम लोग बोला था जो कुछ ही फार्म्स इस मार्केट में माल सप्लाई करते हैं, बेचता है। तो अंडर ऑनोकोली देर आर ए फ्यू फार्म्स एंड ऑल्दो देर आर एग्जैक्ट नंबर ऑफ फार्म्स इज अनडिफाइंड। मगर कभी कभी ये एग्जैक्ट कितना माल बेच रहा है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। एंड ईच फार्म प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आउटपुट, एंड हर जो फार्म है वो इस मार्केट का जो टोटल आउटपुट है, टोटल जो इनपुट है मार्केट में, जितना माल बेचा जा रहा है उसका कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन माल सप्लाई करता है। ओके नाउ बैरियर्स टू एंट्री क्या होता है ना? एस कभी बैरियर्स टू एंट्री बंद करने के लिए कुछ पॉलिसी होता है, जैसे मोनोपोली मार्केट में हम दिखाया था जो एक फार्म को पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस मिला है, या तो उस फार्म को किसी एक फार्म को पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का जो पेटेंट होता है उसको उस लाइसेंस है, या तो जो रॉ मटेरियल है, ऐसा कुछ क्रूशियल रॉ मटेरियल है जो कुछ ही फार्म को एक गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट उस रॉ मटेरियल को यूज करके माल बनाने के लिए परमिशन देता है। तो इस तरह का जो कुछ ही फार्म को ऐसा प्रोडक्ट बनाने का परमिशन मिलता है, तो वो फार्म अपने आप में एक मिलके एक मोनोपोली जैसा मार्केट में मोनोपोली जैसा स्ट्रक्चर या तो मोनोपोली जैसे पावर दिखाता है, जिसके लिए उसको लॉन्ग टर्म में बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि न्यू फार्म जो है उसे ऐसा ऐसा पेटेंट नहीं मिलता है, या तो गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं मिलता है, या तो जो क्रूशियल जो रॉ मटेरियल है उसका यूज करने का परमिशन नहीं मिलता। तो इस तरह से एक अगर यहाँ पे जैसे बैरियर्स है, कभी कोई न्यू फार्म नहीं घुस सकते, तो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो फार्म है उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है यह हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट में या तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में दिखाया है, तो वो देख लेना। तो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन क्या होता है? प्राइस कॉम्पिटिशन का क्या होता है ना, जहाँ पे एक सेलर प्राइस को बढ़ा के या घटा के अपने माल को ज्यादा बेचने की कोशिश करता है, तो ये होता है प्राइस कॉम्पिटिशन। इससे एक इस सेलर को क्या लॉस होता है ना, वो जितना कम में माल बेचेगा तो उसका ज्यादा बेच मार्केट में सेल होगा, लेकिन उसमें उसका प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो घटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फार्म उस प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करता है, प्राइस कंपटीशन का अवॉइड करता है, उसी के उसके जगह वो लोग क्या यूज करते हैं, द सेल द नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन कैसे होता है? जैसे आफ्टर सेल सर्विस एडवर्टाइजिंग एंड वारंटी। क्या है ये सब? देखो हम लोग जब बाइक करते हैं, एक्चुअली जो ऑलिगोपोली मार्केट है इंडिया में ऐसा है, बाइक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ये जो ये लोग क्या करते हैं, देखो हमारा इंडिया में क्या सुजुकी है, हीरो होंडा है, इंडिया में क्या
सुजुकी है, बाजाज है, टीवीएस है, होंडा है, हीरो है, ये जो चार पांच कंपनी बाइक सेल करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्राइस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, इसलिए कहते हैं किस कभी कभी एक कंपनी ऑफर दिया जो हम आपका जो माल सेल करेंगे उसका सर्विस देंगे 1 साल तक, या तो 5 साल तक, या तो वारंटी देंगे, या तो वो लोग जब एडवर्टाइजिंग करते हैं उसको स्पेशल कुछ फीचर्स दिखाते हैं कि देखो इस मॉडल में ये फीचर्स है तो इस मॉडल में ये फीचर्स है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, लेकिन ये लोग इतना एडवर्टाइजिंग में इतना इफिशियंसी और इतना दिमाग लगाता है जो हम लोगों को देख के लगता है चलो इसमें बहुत कुछ फीचर्स है तो इसका दाम ज्यादा है तो हम खरीदेंगे। तो नॉन प्राइसिंग कॉम्पिटिशन ये होता है जो हम जब एक कंपनी जब इसका अपना सेल सर्विस एडवर्टाइजिंग एंड वारंटी जब देता है तो उसी के हिसाब से इसका सेल बढ़ता है, तो ये होता है नॉन प्राइसिंग कॉम्पिटिशन। इंटरडिपेंडेंस क्या है, यहाँ पे जितना सेलर से वो तो बहुत कम 5-10 सेलर ही सेल करते हैं, मार्केट कंट्रोल करते हैं, तो एज देयर आर ए फ्यू सेलर सो दे आर इंटरडिपेंडेंस, सो अपने आप में वो लोग एक एक सेलर दूसरे सेलर का स्ट्रेटेजी एंड दूसरे सेलर एक सेलर का स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंस करते हैं। मतलब एक सेलर क्या स्ट्रेटेजी ले रहा है माल को बेचने के लिए, मार्केट में उसका शेयर बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी ले रहा है, ये देख के दूसरा जो सेलर्स है वो लोग भी अपना डिसीशन या तो स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं, या तो डिसीजन ले सकते हैं, या तो डिसीजन को चेंज करके दूसरा कोई स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंस है ओलिगोपोली मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ओके क्यों है, एज देयर आर फ्यू सेलर, यहाँ पे फ्यू सेलर जैसे हैं तो यहाँ पे एक सेलर दूसरे सेलर के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट होता है, क्योंकि एक सेलर का मार्केट माल बेचने का जो स्ट्रेटेजी है उसको देख के दूसरा सेलर उसका प्राइस भी ठीक करता है एंड आउटपुट लेवल क्या होगा वो भी ठीक करता है। तो ये होता है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मार्केट, और इस ओलिगोपोली मार्केट का इंटरडिपेंडेंसी है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका 5th कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, नेचर ऑफ प्रोडक्ट अंडर दिस मार्केट द प्रोडक्ट इज आइदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड। यहाँ पे जो माल बेचा जाता है, हम जो बात कर रहे हैं जो बाइक का जो या ऑटोमोबाइल का जो कंपनी है, यहाँ पे जो लोग कार बेचता है या तो बाइक बेचता है वो एक जैसा ही होता है या तो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होता है, एक जैसा ही होता है या तो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो द नो यूनिक पैटर्न ऑफ प्राइसिंग बिहेवियर, यहाँ पे एक रियल लाइफ को प्रेडिक्ट करना बहुत रियल लाइफ को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे एक फार्म दूसरे फार्म के ऊपर डिपेंडेंसी है, एक फार्म क्या स्ट्रेटेजी ले रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है दूसरा फार्म का स्ट्रेटेजी लेना। तो ये यहाँ पे ये क्या है रहा है, नो जो एक यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे यूनिक पैटर्न नहीं है, है जो हम इस मार्केट में माल बेचेंगे तो इतना दाम में ही बेचेंगे, तो एक फार्म जब नया स्ट्रेटेजी लाएंगे दूसरा फार्म भी उसका सेल करने का जो नया स्ट्रेटेजी है वो भी चेंज करके उसको भी मार्केट कैच करना है, तो इसलिए वो भी चेंज करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई यूनिक पैटर्न नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं ना, देयर इज एज देयर इज फ्यू सेलर सो देयर आर ए डिफरेंट पॉसिबल आउटकम इन रिलेशन टू ए फार्म बिहेवियर अंडर दिस मार्केट। सो अगर हम इस मार्केट में फ्यू सेलर के जो होते हैं वहाँ पे तीनों स्ट्रेटेजी तीनों बिहेवियर दिखा जाता है, वन इज स्टेबल प्राइस, दूसरा ही प्राइस है एंड अनदर इज कॉल्यूशन फॉर हायर प्राइस। ये स्टेबल प्राइस क्या होता है ना, स्टेबल प्राइस होता है जब कुछ प्रोड्यूसर या तो कुछ सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जहां पे वो लोग बात करते हैं जी हम इस मार्केट में इससे नीचे माल बेचेंगे नहीं, इस दाम के नीचे माल नहीं बेचेंगे, या तो तुम्हारा ये रीजन सेट किया जाए, जैसे तुम इस रीजन में माल बेचोगे हम इस रीजन में माल बेचेंगे, एक आदमी कभी दूसरे रीजन में नहीं जाएगा, होता है एक स्टेबल प्राइस के लिए। जब यहाँ पे एक एक आदमी का एक एक मार्केट दिखाई दिया जाता है, या तो एक एक दोनों बैठ के एक
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वहां पे एक पर्टिकुलर प्राइस को फिक्स किया दिया जाता है, जहां पे उसी प्राइस में सब लोग मार्केट में माल बेचेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा होता है प्राइस वॉर्स। प्राइस वॉर्स क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली कोई किसी के साथ बातचीत नहीं करते, हम एक आदमी कुछ भी दम रेट में बेच सकते हैं, उसका जो ये जो स्ट्रेटेजी हम बताए थे जी, यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी होता है ना, जो वारंटी होता है, जो यहाँ पे बोला था, जो ये हुआ एडवर्टाइजिंग सर्विस, ये है जो आफ्टर सेल सर्विस होता है, एडवर्टाइजिंग है, वारंटी है, ये सब दे के कभी आप एक फॉर्म सोचते हैं, हम इस प्राइस वायर्स होता है, मतलब ये सब ऑफर्स देता है, लेकिन प्राइस कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये डिपेंडेंट है, हम एक सेलर कैसे करेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये होता है प्राइस वायर। और कॉल्यूशन पर हायर प्राइस क्या होता है, जब एक सेलर चाहता है जब हम ज़्यादा माल बेचेंगे तो हम ज़्यादा दाम भी लेंगे, इस तरह से कभी कभी कॉल्यूशन भी होता है एक आदमी से दूसरा आदमी तक, मतलब एक सेलर से दूसरे सेलर में। तो ये जो रीजन होता है ये होता है, ये ओलिगोपोली दो टाइप का हो सकता है, एक है कॉल्यूशन ओलिगोपोली, और एक होता है नॉन कॉल्यूशन ओलिगोपोली। तो कॉल्यूशन ओलिगोपोली में क्या होता है, यहाँ पे जो दो दो बहुत सारे फार्म हैं, जो फ्यू फार्म्स है उनमें से उसके अंदर अपने में एक होता है प्राइस डिटरमिनेशन होता है, इसको लेके कोई क्या होता है ना, कोऑपरेशन होता है, या तो आउटपुट के लिए होता है या तो बोथ, ये दोनों मिला के भी कॉल्यूशन ओलिगोपोली में एक म्यूचुअली कोऑपरेशन होता है, और एक होता है नॉन कॉल्यूशन ओलिगोपोली। कॉल्यूशन ओलिगोपोली क्या होता है ना, ये नॉन कॉल्यूशन ओलिगोपोली रिफर्स टू मार्केट सिचुएशन हाउ फार्म्स कोऑपरेट विथ ईच अदर रादर देन कोऑपरेटिव। तो ये कॉल्यूशन ओलिगोपोली क्या होता है ना, यहाँ पे कोई कोऑपरेशन नहीं होता है, एक आदमी और एक सेलर और दूसरे सेलर में कुछ भी कोऑपरेशन नहीं होता है, वो रैंडमली डिसीजन लेता है और अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम किया जाता है तो वो डिसीजन लेता है खुद। तो ये नॉन कॉल्यूशन ओलिगोपोली का एक मॉडल होता है, जैसे हम स्विगी मॉडल, जैसे किंग डिमन का मॉडल। तो किंग डिमन का होता है ये नॉन कॉल्यूशन ओलिगोपोली का एक मॉडल जो प्रोफेसर स्विगी ने दिया है, तो इसका ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। तो आज यहीं तक है, ठीक से देखो बिना वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अगर हो सके तो शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।